हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आज हम फिर से करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम डेली करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं, वैसे ही आज हम 8 सितंबर के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इम्पोर्टेंट जो आपके टॉप 10 क्वेश्चन हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर PDF भी मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है, आपको जिसका आंसर पता होगा आपने पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना है। यहाँ पर कहा गया है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे की अगर हम बात करें, वो हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे की बात की जा रही है, 6 सितंबर को, 7 सितंबर को, 8 सितंबर को, या फिर 1 सितंबर को। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है, वो रहने वाला है 8 सितंबर। जो इंटरनेशनल लिटरेसी डे की बात करें, वो 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 1967 को पहली बार ये सेलिब्रेट किया गया था। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाए, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है आपसे, पूछा जा सकता है कि 8 सितंबर को किसके तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे, वर्ल्ड कोकोनट डे, या फिर क्लीन एयर वाला डे, इस तरह से कई सारे सितंबर के डेज के नाम हो सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की यहाँ पर बात कर लेते हैं। कहा गया है, किसको अपॉइंट किया गया है प्रेजिडेंट? किसका प्रेजिडेंट? सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, मतलब SIAM की बात कर रहे हैं, SIAM की बात कर रहे हैं। इसका प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया है वो आपको बताना है। क्वेश्चन में ऑप्शंस कई सारे हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में हैं। जैसे कहा गया है, अभिमन्यु पुरानिक, राज श्रीवास्तव, केनिची आयुकावा, या फिर राजीव बजाज। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है, SIAM के जो प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए हैं, वो पहले वो CEO भी हैं मारुति सुजुकी के। मारुति सुजुकी के जो CEO हैं, उन्हें ही प्रेजिडेंट अपॉइंट किया गया CM को। मारुति सुजुकी के CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? केनिची आयोकावा। तो इन्हें ही CM का प्रेजिडेंट बनाया गया है। तो ये रिसेंट न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हम बात कर लेते। कहा गया है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 5th BRICS कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग? किसने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को जो इस बार 5th BRICS, याद रखना कौन सी ब्रिक्स कल्चर मीटिंग हुई है, 5th जो है ये इस बार ब्रिक्स कल्चर मीटिंग हुई है। और जो भी मीटिंग हुई है, इसको इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया था? प्रहलाद सिंह पटेल ने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को, गिरिराज सिंह ने, राजनाथ सिंह, या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है, वो ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, प्रहलाद सिंह पटेल जी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। कौन सी ब्रिक्स कल्चर मीटिंग थी ये? 5th BRICS कल्चर मीटिंग थी, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है, कौन से बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया है वीडियो KYC? क्यों लॉन्च किया है? ताकि जो भी नए कस्टमर्स हैं वो अपना सेविंग अकाउंट्स डिजिटली ओपन कर सकें। तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया है नया, रिसेंटली किसने लॉन्च किया ये वीडियो KYC? HDFC बैंक ने, SBI ने, येस बैंक ने, या फिर सिटी यूनियन बैंक ने? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है, वो रहने वाला है सिटी यूनियन बैंक। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर कहा गया, कौन सी कंट्री है जो होस्ट करने जा रही है क्वाड की मीट? क्वाड मीट आपको पता होगा अगर आपने करंट अफेयर्स देखते, तो क्वाड मीट का मतलब है, क्वाड का मतलब होगा, क्यू से मतलब बनता है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है? तो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर सिक्योरिटी जो डायलॉग रहता है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी जो डायलॉग रहता है, उसकी यहाँ पर बात करें। क्वाड्रिलेटरल इसका मतलब क्या होगा, 4 यहाँ पर नेशंस होंगे, 4 कंट्रीज़ यहाँ पर रहेंगी। तो चारों कंट्रीज़ में से कौन उसको होस्ट करने जा रहा है? क्या इंडिया होस्ट करने जा रहा है, क्या जापान होस्ट करने जा रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स, या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है, वो ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। इंडिया ही जो है वो क्वाड मीट को होस्ट करने जा रहा है। और क्वाड मीट के मेंबर्स की बात करें, इंडिया, जापान, US और ऑस्ट्रेलिया, चारों ही क्वाड के मेंबर हैं, जहाँ पर 2x2 सिक्योरिटी डायलॉग वगैरह चलता है। और यहाँ पर इंडिया यहाँ पर होस्ट करने जा रहा है इस बार। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है आप सभी के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारा इंस्टाग्राम भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, हमारा ट्विटर भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, जो टेलीग्राम चैनल है वो भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। और गर्ल्स के लिए अलग से ग्रुप बना है टेलीग्राम में, वो चाहें तो ज्वाइन करना चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको PDF वगैरह मिल जाते हैं, बुक्स के PDF वगैरह, कुछ ना कुछ डिस्कशन भी चलती रहती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है, हु हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटेड व्हीकल? अब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह कि आपके एग्जाम में HSDDV की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें, किसने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया है इसका? अगर हम बात करें, इंडिया ने, जापान ने, रशिया ने, फिर USA ने? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है, वो इंडिया रहने वाला है। कौन से अटैम्प्ट में इंडिया ने सक्सेसफुली इसका फ्लाइट टेस्ट किया है? 2nd अटैम्प्ट में इंडिया ने टेस्ट किया है। तो इंडिया में किसने किया है? DRDO के द्वारा यहाँ पर किया गया है, ठीक है? और कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके किया गया है? तो स्क्रीम जेट प्रोपल्शन सिस्टम जो रहता है, उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इसका फ्लाइट टेस्ट किया गया है। तो कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, सभी आपको पता होने चाहिए। मेन यहाँ पर
DRDO याद रखना और सेकंड अटेम्प्ट याद रखना, बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिशन था ये वाला। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। कहा गया विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ टॉप द बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग ऑफ 2018-19। अभी हाल ही में यहाँ पे अगर हम बात करें बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान जो रैंकिंग आई है 2018-19 वाली, उसमें कौन सी इंडिया की कौन सी स्टेट ने टॉप किया है, आपको मैंने कल बताया भी था ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में किसने टॉप किया था, वही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया घुमाकर। तो क्या केरल ने किया है, गुजरात, आंध्र प्रदेश या कर्नाटका? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आंध्र प्रदेश रहने वाला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस प्रेजिडेंट ऑफ सीएम। अभी आपको मैंने बताया था SIEM के बारे में, उनके प्रेजिडेंट के बारे में बताया था जो कि CEO थे मारुति सुजुकी के। वैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं SIEM की बात करें, मतलब सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की बात करें, उनका वाइस प्रेजिडेंट किसे अपॉइंट किया गया है, तो आपको बताना है क्या वो अशोक कुमार हैं, क्या वो विपिन सोंधी हैं, क्या वो राजीव बजाज हैं, क्या वो राज श्रीवास्तव हैं। जो प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए थे वो मारुति सुजुकी के CEO थे, और यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं वो MD हैं, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अशोक लीलैंड के। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो बी रहने वाला है, विपिन सोंधी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, पियरे गोस्ली की बात करें जिनको जिन्होंने भी वॉन जीता है 2020 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जीता है, वो कौन से कंट्री को बिलोंग करते हैं? पियरे गोस्ली की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फ्रांस, भूटान, सर्बिया, फिर जर्मनी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है फ्रांस रहने वाला है, इसका मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम टारगेट रख के चलते हैं 2000 लाइक्स वाला। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता होगा तो आप लाइक ज़रूर करोगे, टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। आगे चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है RBI ने एनहांस कर दिया है, बढ़ा दिया है लोन लिमिट, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें उसके लिए लोन लिमिट RBI ने बढ़ा दिया, तो जो नई लोन लिमिट है वो क्या है, 5 लाख, 15 लाख, 30 लाख या 40 लाख? तो यहाँ पर जो पहले लोन लिमिट थी वो 15 लाख की थी, उसे एनहांस करके अब 30 लाख तक एक्सटेंड कर दिया गया, तो 30 लाख यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर लगा होगा, किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू, जय हिंद।